नया साल कोटा के रेलवे कॉलोनी इलाके की कच्ची बस्तियों उड़िया बस्ती और वाल्मीकि बस्ती के लोगों के लिए नया सवेरा लेकर आया है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की पहल पर ना सिर्फ इस बस्ती के लोगों को अतिक्रमी के कलंक से मुक्ति मिली, बल्कि कीचड़ गंदगी से भरे नारकीय जीवन की कॉलोनी की जगह सभी सुविधाओं से युक्त खुद के आशियाने की राह भी प्रशस्त हो गई है। और ये सब हो पाया गहलोत धारीवाल की जोड़ी की गरीब बस्ती पुनर्वास योजना के तहत। देखिए रिपोर्ट। रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के बाद गंदगी और बदबू के बीच बिना किसी आधारभूत सुविधा के नारकीय जीवन जी रहे कोटा शहर के रेलवे कॉलोनी इलाके की दो गरीब बस्तियों के लोगों के लिए साल 2023 नया सवेरा लेकर आया। यूआईटी ने अब इन बस्तियों का पूरी तरह से पुनर्वास करके बिजली पानी सड़क समेत सभी आधारभूत सुविधाओं से युक्त एक नई कॉलोनी बनाकर पूरी बस्तियों को शिफ्ट कर दिया। इसके साथ ही न सिर्फ बस्ती वासियों को अतिक्रमी के कलंक से मुक्ति मिली, बल्कि अतिक्रमित बस्ती के नारकीय जीवन से भी पीछा छूटा और रेलवे की भी बेशकीमती भूमि अतिक्रमण मुक्त हो गई। आज जो आपने झोपड़ियां बना करके रहे हैं, मेरा ख्याल है उससे भी छोटे, उससे उन प्लाटों से भी छोटी छोटी जगह पर आप लोग निवास कर रहे हैं। एक एक मकान में तीन तीन चार चार पाँच पाँच आदमी रहते हैं। यहाँ पर आपको सड़क भी मिलेगी, बिजली भी तैयार है, पानी भी तैयार है, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत ढांचा होना चाहिए कॉलोनी के लिए, वो सारा का सारा यूआईटी ने बना करके तैयार किया है। 70 साल से अतिक्रमण करके बसाई इस बस्ती को रेलवे ने कई बार नोटिस दिए और बस्ती वासियों पर हमेशा बेदखली की तलवार लटकी रहती है। ऐसे में धारीवाल ने वाल्मीकि समाज के 132 और उड़िया बस्ती के 67 परिवारों को जब न्यास की नव विकसित कॉलोनी में प्लाट आवंटन पत्र सौंपे तो बस्ती वासियों के चेहरे खिल उठे। खास बात यह है कि 13x30 के साइज के करीब 2 लाख के एक भूखंड से यूआईटी विशेष रियायती प्रावधान करके प्रति आवंटी मात्र 19,000 रूपए ले रहा है और ये रकम भी आवंटियों को 7 त्रैमासिक किश्तों में अदा करने की सुविधा दी गई है। 1/10 कीमत पे इनको दिया जा रहा है और उसके अंदर भी जो 7 किश्तें करी गई है लगभग 2700 रुपए की एक किश्त, वो भी त्रिमासिक किश्त आएगी। तो मतलब एक तरीके से ये बहुत ही नॉमिनल रेट पे और इन पर विशेष ध्यान देते हुए ये योजना लेकर आए हैं और इस योजना के तहत इनको प्लॉट मिल रहे हैं। बड़ी खुशी का माहौल है और आज इनको पहली बार अपनी 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 जमीन मिलेगी जिसके ऊपर ये मकान बनाएंगे। दुनिया का अभी तक हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा तोहफा, इसलिए 70 साल की उम्र में अब जाके इन्होंने पुनर्वास किया हमारी बस्ती के लिए और इससे हम बहुत खुश हैं। इसमें हम धारीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहते हैं, पूरी समाज हमारी उड़िया बस्ती और वाल्मीकि बस्ती। भाई बार बार है ना रेलवे आती थी, खाली करवाती थी और बहुत ज्यादा परेशान थी उड़िया बस्ती, कम से कम 40-50 साल हो गए उनको और आज भाई साहब ने इतना अच्छा काम करा हमारे धारीवाल जी ने। धारीवाल ने इससे पहले रेलवे कॉलोनी इलाके में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया और शहर के उत्तरी छोर के लिए शहर की पहुंच कर आसान करते हुए करीब 8 करोड़ की लागत से बनकर तैयार भदाना नॉर्दर्न बाईपास रोड का भी लोकार्पण किया और वादा किया कि गरीब कल्याण गहलोत सरकार की हमेशा से प्राथमिकता में था और आगे भी बना रहेगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए कोटा से भंवर एस चारण की रिपोर्ट।